तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन में आपने बताना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल में पॉलीनोमियल है या नहीं, और अगर है तो वो क्यों है। जैसा कि आप देख सकते हैं ए एंड बी जो है वो पॉलीनोमियल है, और वो क्यों है उसका रीजन मैंने लिख दिया है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सी एंड डी में दोनों ही नॉन पॉलीनोमियल है। क्यों? क्योंकि उनके वेरिएबल का पावर एक होल नंबर नहीं है। इस क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर और कितने तरह के वेरिएबल्स हैं, सेम है या नहीं, वो भी मैटर करते हैं। चलिए अब अपने फिफ्थ सब क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये भी एक पॉलीनोमियल कहला सकता है बट इन थ्री वेरिएबल्स, क्योंकि इसके वेरिएबल का पावर एक होल नंबर है। अब अपने क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। आई होप आप कोएफिशिएंट के बारे में जानते हो, और अगर आप नहीं जानते हो तो आप ऊपर में दिए गए आई बटन पर क्लिक करके मेरे पॉलीनोमियल वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थ्री में। इस क्वेश्चन में आपने बाइनोमियल और मोनोमियल के एक एक एग्जाम्पल लिखने हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने से, डिग्री एज गिवन होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर को। इस क्वेश्चन में आपने गिवन पॉलीनोमियल की डिग्री को बताना है। आई थिंक आप जानते ही होंगे एक पर्टिकुलर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही उस पॉलीनोमियल का डिग्री कहलाता है। जैसा कि आपने क्वेश्चन फोर के डी को देखा, वो एक कांस्टेंट पॉलीनोमियल था, इसलिए उसका डिग्री जीरो था। चलिए हम अब अपने क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपने गिवन पॉलीनोमियल्स को डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई करना है। इन लीनियर अगर डिग्री वन है, क्वाड्रेटिक अगर डिग्री टू है, और क्यूबिक अगर डिग्री थ्री है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने डिग्री के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई कर दिया है। तो दोस्तों मेरी तरफ से एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी कंप्लीट होता है, और यहाँ से आपका काम शुरू होता है। वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को अच्छे से नोट कर ले और समझ ले, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाला है। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।